श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उत्तंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। भगवान महावीर जी कहते हैं कि संसार का मूल कारण क्या है? मोह है। रागो या दोसो बी या कम बियंग कमंग च मोह भवंग व्यंती कमंग च जाई मरण समूलंग दुखंग च जाई मरणंग व्यंती। कर्म राग और द्वेष, राग और द्वेष मोह, और मोह से सारा संसार बढ़ रहा है। जिस मोह को हम सुख मानते हैं अंततः वह दुख देता है, और उस मोह के कारण हमने 4,84,00,000 जीवा योनियों में अनंत बार भटकी है। इसको समझे, ये मोह अच्छा लगता है परंतु अंततः दुख देता है। इसलिए एक तरफ वितराग मार्ग है, तीर्थंकर भगवंतों का मार्ग, और एक तरफ संसार का मार्ग, मोह का मार्ग। और तुमने अभी तक जितना मोह किया, क्या सुख मिला, वो मोह बदलता रहता है। माँ का बच्चे पर, खिलौने पर, मित्रों पर, पुस्तकों पर, पत्नी पर, बेटे पर, धन पर, बढ़ता 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 अंततः मोह कम नहीं होता। मोह करने पर जो जो हमने जिस व्यक्ति वस्तु स्थान से मोह किया, वो व्यक्ति वस्तु स्थान चला जाता है, और मोह का जो कर्म का बंधन वो आत्मा पर चिपक जाता है, और आत्मा को अगले जन्म में कर्म का बदल देना पड़ता है। अधिक मोह धन पर किया, परिग्रह पर किया, मांस मदरा खाया तो नरक में जाना पड़ता है। 12 चक्रवर्ती थे और 2 चक्रवर्ती संसार के मोह माया में फंसे रहे और 7वीं नरक में गए, और 10 चक्रवर्ती ने संसार की मोह माया छोड़ी, 6 खंड का राज्य छोड़ा और वितराग मार्ग अंगीकार किया और सिद्धशिला चले गए। एक सिद्धशिला 26 देवलोकों के ऊपर, एक 7वीं नरक, 7वीं नरक के नीचे। बोलो, ये मोह की दशा है तुम्हारे सामने। जिन जिन्होंने मोह किया वो भटके हैं, और तुम भी देखो आपने किस किस व्यक्ति से मोह किया, और मोह अंततः दुख देता है। माँ बच्चे से मोह करती है, बेटा मोह माँ से करता है, अंततः वो मोह बदल जाता है, और माँ अंततः माँ को समाधि नहीं आती। तो क्या करना चाहिए? इस मोह को छोड़ने का तरीका कोई है? कोई तरीका है? बोलो, कौन सा तरीका? आसान तरीका बताता हूँ मैं। मोह जितना जितना तुम धर्म करोगे, वितराग मार्ग पर आओगे, उतना आपका मोह कम होगा। और मोह कम करने के लिए क्या करना? जो आपकी अटैचमेंट है, आसक्ति है, मोह है, किसके प्रति? परिवार के प्रति। सबसे ज़्यादा मोह किसके प्रति होता है? अपने पर, अपने देह पर, अपने नाम पर। मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा लिंग, मेरी जाति, मेरी परंपरा, मेरा गुरु। गुरु चले गए और लोग झगड़ा करते हैं, कर्मों का बंधन बांधे जा रहे हैं, ये मोहनीय कर्म है। तो सबसे ज़्यादा मोह व्यक्ति को अपने शरीर से है, नाम से है, पद से है, धन से है, परिवार से है, रिश्ते नातों से है, और रिश्ते नातों से मोह लगता है सुख तो दुख देती। तो क्या करना मोह को? क्या करना? सिंपल सी बात, प्रेम में बदल दो। आप प्रेम क्या है? प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। मोह बांधता है, प्रेम सबको
विस्तीर्ण करता है। मोह है बंधन और प्रेम है विराट आकाश की भांति स्वच्छ और निर्मल। प्रेम किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होता, प्रेम सब पर होता है। और मोह क्या होता है? व्यक्ति विशेष पर, स्थान पर, धन पर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा परिवार, मेरा सिद्धांत, मेरी परंपरा, ये सारा मोह का कारण है। और जितना जितना मोह बढ़ेगा संसार और भ्रमण करना पड़ेगा। प्रेम मोह नहीं है, प्रेम आसक्ति नहीं है, सिर्फ आसक्ति जो है वो प्रेम का धोखा है। आसक्ति प्रेम नहीं, सिर्फ प्रेम का धोखा है। प्रेम क्या है? दान है। आनंद का दिया जले तो प्रेम का प्रकाश चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है। प्रेम एक दिया है, आनंद का दिया जले और प्रेम का प्रकाश चारों ओर फैलना शुरू हो जाता है। प्रेम परमात्मा है। जीसस ने कहा लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम परमात्मा है। प्रेम से ज्यादा सरल और निर्दोष कुछ भी नहीं है। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि मैं क्या करूं, क्या कैसे जीवन जीऊं, कैसे साधना करूं, कैसे परिवार में रहूं, कैसे मैं संत का जीवन जीऊं? तो मैं लंबी शास्त्र की भाषा नहीं जानता, मुझे एक बात बताओ। मैं सब संत अगस्तीन ने कहा देखो तुम कोई शास्त्र पढ़ो ना पढ़ो, कोई क्रिया करो ना करो, एक प्रेम सबसे प्रेम करो। क्या हो जाएगा? तुम धर्मवान बन जाओगे, तुम परमात्मा को पालोगे। प्रेम सबसे प्रेम हो सकता है कि नहीं? बोलो। आप लोगों ने हमें बुलाया, मोह से बुलाया कि प्रेम से बुलाया? बोलो प्रेम से बुलाया। तो फिर कहते क्यों नहीं? आप बैठे हैं प्रेम से बैठे हैं कि मोह से बैठे हैं? प्रेम किसी व्यक्ति विशेष से होता है। कभी सोच लेना, तुम तुम्हारा प्रेम होगा अपने बेटे पर, धन पर, परिवार पर, पत्नी पर, आभूषण पर, वस्त्रों पर, गाड़ी पर, बंगले पर, स्थान पर, माला पर, मेरी माता, मेरी मूपत्ति, मेरी विचारधारा, मेरा गुरु, मेरी परंपरा, जहाँ मेरा 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 सब मोह है। प्रेम क्या? तेरा 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 तेरा। संत कैसा होना चाहिए? एक संत मिले थे हमें, हमने पूछा संत की परिभाषा क्या है? कहते संत की परिभाषा ऐसी है, मिलो तो ऐसे जैसे बरसों से जानते हो। कैसे मिलना? बरसों मिलो ऐसे जैसे बरसों से जानते हो और चले गए तो वास्ता ही नहीं, फिर किसी से वास्ता नहीं। साधु तो चलता भला, रमता भला, पानी तो बहता भला, ये वीतराग धर्म है। प्रेम अधिकार नहीं जमाता किसी पर। जहाँ तुम अधिकार जमाओगे, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा गुरु, मेरी परंपरा, मेरी विचारधारा, मेरी मूपत्ति, मेरी माला, मेरा चश्मा, वो मोह है। बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? और प्रेम होगा, लो मेरी माला भी ले जाओ, चश्मा भी ले लो, स्थान भी ले लो, सब ले लो। यदि आप हमें आहार पानी प्रेम से देते हैं तो क्या होता है? पुण्य होता है, कर्मों की निरा। मोह से देते हो कि मेरे संत, मेरे गुरु, मेरा मेरा करके देते हो तो क्या होता है? बंधन। ये मेरा मेरा छोड़ करके क्या करना? सबका। महावीर की अहिंसा और प्रेम दोनों अलग नहीं, एक ही बात है। समझो जरा, महावीर की अहिंसा का आधार क्या है? आए तुले प्यास। जितने भी तुम मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धनवान हो, निर्धन हो, साधु हो, साध्वी हो, किसी गच्छ, किसी परंपरा, इससे महावीर का कोई मतलब नहीं।
महावीर कहते हैं तुम्हारे भीतर, सबके भीतर जो एक आत्म तत्व है उससे प्रेम करो। किससे करो? शरीर से प्रेम नहीं करना। किससे प्रेम करना? शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम करो। और तुम भी आत्मा से प्रेम करोगे तो मोक्ष चले जाओगे, और शरीर से प्रेम करोगे तो क्या करोगे? चार गति 84 लाख जीवा योनियों का भ्रमण है। आज तक हमने किससे प्रेम किया? बोलो किससे प्रेम किया? बोलो किससे किया? शरीर से किया कि नहीं किया? शरीर से प्रेम नहीं करना, आत्मा से करना। और सबसे पहले अपनी आत्मा से प्रेम करना। मैं आत्मा और तुम आत्मा, बस वो आत्मा और मैं आत्मा सब समान, आए तुले प्यासु, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये अमीर गरीबी, विद्वान मूर्ख, सुंदर असुंदर, स्त्री पुरुष, जाति परंपरा कुल, ये सब शरीर का हिस्सा है। और श्वास टूटेगा सब चला जाएगा, आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद है। महावीर ने कहा केवल आत्मा को जानो, अपने को जानो और अपने से प्रेम करो तो मोक्ष चले जाओगे। देह को तपाओ और आत्मा पर जो कर्म लगे हैं मैल, उसको अलग करने दो। कोई गुरु सच्चा गुरु होगा वो कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे से प्रेम करो। महावीर के संग में साधु साध्वी श्रावक श्राविका, तुम श्रावक श्राविका साधु साध्वी सब प्रेम से मिलो, प्रेम से रहो। कितने दिन का बसेरा है, क्या पता ना कब सांस आए ना चली जाए। आई ही आता आए कजा ले चली चले, न अपनी खुशी से आई न अपनी खुशी से गए। इसलिए एक प्रेम की बात समझ लो। और प्रेम विस्तीर्ण होता है, सब पर होता है, सब पर होता है। और साधु जो एक दो व्यक्तियों से प्रेम करता है वो फंस जाता है। साधु का प्रेम गंगा की भांति स्वच्छ निर्मल होता है, पवित्र होता है। इसलिए आप भी, कोई भी साधु साधवी आए, हम तो यही कहते हैं कोई कैसा ही आए, उसकी क्रिया, उसका धर्म, उसकी बात वो जाने। तुम तुम्हारे घर में आया, समझो परमात्मा हमारे घर में आ गया। तुम्हारे घर में साधु आ गया और तुमने आहार दे दिया, तुमने महान कर्मों की नजरा कर ली और पुण्य कमा लिया, वो साधु जाने, उसका काम जाने, तुमने क्या लेना देना। भगवान ऋषभदेव का पहला भाव, जब वो सार्थवाह में थे और 4 महीने भोजन नहीं मिला था, घी आकर में पता लगा कि घी प्रासक पड़ा हुआ है, और घी देने लगे उन मुनियों को, तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि 4 महीने भोजन नहीं दिया और घी का घड़ा था, गए प्रभु ये प्रासक है ले लो। और घी का घड़ा डालते हैं किसमें? पात्र में। पात्र भर जाता है, वो कहते हैं मेरा नहीं, मेरा घी नहीं गया, मैं तो पात्र में डाल रहा हूँ, ये पात्र है, मैं तो पात्र की तरफ देख रहा हूँ। ऐसी उत्कृष्ट भावना भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर मन, दान का इतना बड़ा बना। मैं एक ही बात कहता हूँ, बस अपने प्रेम का विस्तीर्ण करो, मुँह को कम करो, क्रिया चाहे कम पालो पर आसक्ति को तोड़ो, परंपरा को तोड़ो, मोह को तोड़ो, मेरा तेरा छोड़ो। कितने जन्म ले लिए, तुमने ले लिए, मैंने ले लिए, कितने अनंत जन्मों की यात्रा कर ली, आप किसको याद करो? उस महान गुरुओं को याद करो। मालव केसरी सौभाग्यमल जी महाराज साहब, मर्दर केसरी जी को, उपाध्याय कस्तूरचंद जी महाराज साहब को, जगत वल्लभ चौथमल जी महाराज साहब को, आचार्य आत्माराम, आनंद ऋषि जी, देवेंद्र मुनि जी, ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? हमारे भीतर कोई स्वार्थ की भावना नहीं, हम ये नहीं सोचते कि हम पंजाब परंपरा के हैं, ये मालव परंपरा के हैं, हम श्रवण संघ में हैं, एक ही वृक्ष है, शाखाएं हैं, एक ही मूल एक है, और बुजुर्गों ने सींचा है, उस महान गुरु ने उस आचार्य आत्माराम जी का नाम रखा, इससे बढ़कर के और सौभाग्य क्या हो सकता है?
जितना तुम महान पुरुषों के गुणगान गाओगे उतना तुम्हारे कर्मों की नजरा होगी। तुम तप करो अच्छी बात है, ना कर सको पर कभी निंदा विकथा नहीं करना। कोई तुम्हारे द्वार पे आए, कोई कैसा व्यक्ति आ जाए, कोई भिखारी भी आ जाए, कोई कुत्ता भी आ जाए, रोटी जरूर दे देना। हमारी पहले परंपरा थी, बहनें भोजन बनाती थी ना, तो पहली रोटी दूसरी रोटी क्या करती थी, वो गाय के लिए रखती थी। ये भारत की परंपरा है, अतिथि सत्कार है। माँ खुद भोजन नहीं करती, खिलाती है, तभी मातृदेव वैभव की बात कही जाती है। ये माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य, माँ की करुणा सब पर बहती रहनी चाहिए। इसलिए आप सबका प्रेम, प्रेम की खोज उतनी ही गहरी है जितनी परमात्मा की। जितना प्रेम को खोजोगे, प्रेम परमात्मा है, सब में आत्मा, सब में परमात्मा। तुम्हारे भीतर आत्मा, आंखें बंद करो तो अंदर आत्मा परमात्मा, आंखें खोलो तो बाहर परमात्मा, अंदर परमात्मा बाहर परमात्मा, फिर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। क्या करेगा प्यार वो ईमान को, क्या करेगा प्यार वो भगवान को, क्या करेगा प्यार वो ईमान को, क्या करेगा प्यार वो भगवान को। जन्म लेकर गोद में इंसान की, जन्म लेकर गोद में इंसान की, प्यार न कर पाया इंसान को। हम एक दूसरे से प्यार ही ना करें, भाई भाई से प्रेम ना करें, पिता पुत्र से प्रेम ना करें, पति पत्नी से प्रेम ना करें। प्रेम करो, मोह ना करो, समझ लेना मेरी बात को। प्रेम विस्तीर्ण होता है, प्रेम सबका। तुम्हारे घर में जो सेवक है, जो झाड़ू लगाता है, उसको उतना ही प्रेम दो जितना आप अपने बेटे को देते हो। ऐसा ही भोजन करवाओ जो तुम अपने बेटे को खिला दो, जो किसी साधु को दे। सबके समान समान व्यवहार रखो, देखो तुम्हारे कितने कर्मों की और कितना आनंद तुम्हारे भीतर आएगा। जब तुम किसी मुनिराज को आहार पानी देते हो, किसी गरीब को भोजन देते हो, वस्त्र देते हो, बोलो आनंद आपको आता है कि नहीं आता, बोलो। तुमने खाया नहीं, दिया, देने पर आनंद आता है, खाने पर, देने पर। तो प्रेम देता है, जुटाता है। और मोह क्या है, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांच के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांच के अंगूठे तक एक शुद्ध आत्मा, आत्मा अनंत प्रकाश का पुंज है, आत्मा अनंत ज्ञान का खजाना है, आत्मा अनंत दर्शन का योग है, आत्मा। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोए सब सावनंग, इसो पंच नमो कारो सब पावपनासनो, मंगलानंच सव्य सिंह बड़ मंग हवाई मंगलम, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरण को जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका, अजर अमर पद होगा उसका, सदा ही मंगल होगा।